हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आज के सेशन में मैं आपको उरेब पट्टी बनाना बताऊंगी, जो आपको काफ़ी सारे नेक डिज़ाइन के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है। अब यहां पर 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक तिरछी लाइन बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी भी एक पट्टी काट लेते हैं। अब ये जो दो पट्टियां हमने तैयार की है, उसके ऊपर का तिरछा हिस्सा हम कट कर लेते हैं। और ये जो सीधी पट्टी है, उसके ऊपर दूसरी सीधी पट्टी रख के यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई कर लेंगे, ताकि ये बड़ी हो जाए। आप इसी तरह से एक के ऊपर एक पट्टी ज्वाइन करके जितनी चाहे उतनी लंबी डोरी या फिर उरेब पट्टी बना सकते हैं। चलिए पहले हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर उल्टी साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो काट लेते हैं। अब हम इस उल्टी साइड पर कपड़े को इस तरह से दबाएंगे, ताकि ये दोनों छोर हमारे बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहो तो एक बार इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। ये होने के बाद हम इसको अब डबल फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी पतली पट्टी तैयार हो जाएगी। यानी कि अगर हम 1.25 इंच का पट्टी लेते हैं, तो उसमें से हमारी ये इतनी पतली पट्टी तैयार होगी। अगर आपको मोटी या उरेब पट्टी तैयार करनी हो, तो आप उसके हिसाब से कपड़े की चौड़ाई रखिएगा। अब हम इसकी एक साइड पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे, सीधी सिलाई। एक तरफ की सिलाई होने के बाद दूसरी तरफ की पट्टी भी हम सिल के तैयार कर लेंगे। दोनों साइड पे कॉर्नर पे हमने ये सिलाई कर ली है। अब देखिए, ये बहुत ही आसानी से खींच सकती है, मुड़ सकती है। ये हमारा जॉइंट है जो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए डिजाइन के साथ। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।